Hello and good evening to all of you. Rizwan Andar and emotionally welcome you in this video. So, Janab, फिर one-sided ही match हो गया at the end of the day. दोनों ही पाकिस्तान वाला, वो तो खैर 90 runs करने थे. आपको बताया था कि 90 पे अब क्या fight करेगा न्यूजीलैंड. दो तीन विकेट ले लेगा, तो दो तीन विकेट ले ली उसने. तो match खत्म हो गया. Boring match. That was one-sided. ये वाला match जो IPL वाला है, इसमें 10 ओवरों तक तो बड़ी जान थी. बड़ा मजा आ रहा था देख के कि चलो फाइट हो रही है. दिल्ली कैपिटल के जो फैंस हैं, दे वर एक्साइटेड, दे वर जंपिंग, दे वर जुबिलेंट. रिकी पोंटिंग, ही वाज स्माइलिंग. दादा, ही हैड सम स्माइल ऑन हिज फेस एज वेल. स्टब्स, ही वाज पंचिंग इन द एयर. जैसी जैक फ्रेजर हर गेंद पे चौका छक्का मार रहा था. मजा आ रहा था, माहौल बन रहा था, बहुत ही बेहतरीन और शानदार. तो ये बस तब तक ही मैच में थे जब तक वो जैक फ्रेजर या पॉरल जो खेला है, तो बस उसके बाद तो मैच जैसी उनकी विकेट गिरी समझे के खत्म. खास करके जो पंत ने कमाल किया, अपनी टीम का बेड़ा गर्क ही कर दिया भाई. तुम थोड़ा सा मैच में जो वो इंटरेस्ट या जान डाल के गए हैं, तुमने बिल्कुल ही वो जान ही निकाल दी है भाई. मैच किया उन्होंने 10 ओवरों तक, जो इनका स्कोर था उसको बिल्कुल मैच किया. और बल्कि हाफ से ऊपर का काम तमाम हो गया था, आधे से ज्यादा रन कर गए थे. लेकिन ये अजीबोगरीब, मतलब पंत कोई समझ नहीं आई क्या किया, व्हाट डिड ही डू. मतलब खुद भी नहीं किए, दूसरों ने भी कुछ नहीं किए. ललित बैटिंग तो खैर इनपे यही था कि भाई इनकी बैटिंग बेकार है, लेकिन थोड़ी फाइट जिस तरह से ऊपर वालों ने की है, थोड़ा तो आगे लेके जाना चाहिए था. ये बिल्कुल ही हथियार डाल दिए इन्होंने. बॉलिंग भी खैर, अब बॉलिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी. बॉलिंग तो अच्छी ही होती है, बैट्समैन ने खुद अपने कुछ शॉट इनोवेट करके कुछ खेलने होते हैं, कुछ बॉलर्स को अंडर प्रेशर लेके आना होता है. लेकिन कोई कहानी नहीं, बिल्कुल वन साइडेड. हाँ जी भाईजान. भाईजान मैं तो यकीन कर रहा सो गया था पिंडी स्टेडियम में, मुझे नींद आ गई थी. I was so pissed off and so frustrated कि यार, और लोग खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई दुनिया की सबसे बड़ी टीम आ गई हो, और ये सूरमा हमारे जो है वो हमें चैंपियन आ गया. अबे कुछ शर्म करो, कोई हया करो, इस तरह की क्रिकेट खेले. ये मैच आपको 6 ओवरों में 7 ओवरों में जीत जाना चाहिए था, और आप खुश हो रहे हैं रिजवान वही टेस्ट मैच खेल रहा है. ओ, वो बाबर को देखे, वही स्पिनर आउट कर रहे हैं, वो सैम अयूब, सूर्या कुमार यादव है, एबी डिविलियर है, पता नहीं केड़ा केड़ा है, और उस्मान खान साहब देखे. ओ भाईजान क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आप यार, ये क्रिकेट है. आप मजाक कर रहे हैं, यू आर मेकिंग योर सेल्फ लाफिंग स्टफ. आप लोगों को, दुनिया को मजाक बना. मुझे लोगों ने कहा, मुझे अभी भी मुझे फोन आया कि भाईजान आप चले गए. मैं इनसे सवाल करूं, ये लोग देखे, पीपल विल ट्राई टू मेक फन. हो देखो पाकिस्तान के खिलाफ लानत भेजे यार, ये पाकिस्तान के खिलाफ हूं कि मैं आपको ये कह रहा हूं यार, ये कोई टीम है कि जिस टीम से आप मैच खेल रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा स्कोर है रिजवान साहब 19 रन आए स्कोर है, ये मैच हो रहा है. और जी पाकिस्तान द ओनली कंट्री टू बॉल आउट ऑफ पोजिशन फॉर 10 टाइम लेस देन 100 रन. अबे गधे के बच्चों, वो अपोजिशनें कौन सी होती हैं? अच्छा फिर आगे से क्या कहते हैं, ये तो टीमों का कसूर है ना. 2 महीने आप आईपीएल भेज देते हैं अपने लड़के खेलने के लिए. अबे पागल के बच्चों, नामाकूलो, बेवकूफो, स्टूपिड्स, क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, वो भेज देते हैं. तुम अपने हल्के लड़के खिलाओ, तुम अपनी पूरी टीम उनके खिलाफ खिलाते हो, उनकी प्रैक्टिस कराते हो, जैसे ही उनके मेन आते हैं वो तुम्हारी ऐसी बजाते हैं कि तुम्हें हाथ रखना मुश्किल हो जाता है. कहां पे कहां से हाथ रखेंगे यार. ये आप देख लें रिजवान साहब, क्राउड भी जरा सा क्राउड इन्वॉल्व नहीं हुआ. पिंडी में मैच हो और क्राउड इन्वॉल्व ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल. इट्स अ शेम कि यार इतनी हल्की टीम है जिसके नाम भी नहीं लोगों को पता, और वो भी आप कौन से ओवर में, और वो रिजवान देखे, बाबर देखे, उस्मान देखे, सैम देखे, इरफान देखे, टेस्ट मैच खेल रहे हैं यार. आप कोई शर्म करें. अगर आप 8 या 9 या 3 विकेटों से जीतेंगे तो कोई आप पे कहेगा कि आपने ये क्या किया. मतलब आप ऐसे
ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे आपने एबी विलियर्स को, सूर्य कुमार यादव को, या बैर बगा जी को, या उधर से ट्रेविस हेड को, या उधर से रसल वसल को, बच्चों की तरह क्रिकेट यकीन करें। Nobody was involved in the match, Rizwan साहब. It was so boring match. It was so boring match. कि कसम से वहां बैठने मैंने बल्कि मैसेज भी किया इनके टॉप को कि ओ भाई ये मेरे हाथ जुड़े हैं, पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क ना करें। अगर देखे बात यह रिजवान साहब ठीक है पाकिस्तान का कसूर नहीं है, जो अवेलेबल था खेल लिया, ना खेलने से मैं ये थ्योरी नहीं मानता ना खेलने से खेलना अच्छा है। भाई थ्योरी ये होनी चाहिए रिजवान हैदर साहब कि अगर कोई हल्की टीम आ रही है और यू हैव टू प्ले एट एनी कॉस्ट देन अनलीश योर यंगस्टर्स रादर देन आमिर एंड शाहीन एंड नसीम एंड शदाब एंड ऑल ऑफ देम फॉर हेवन सेक्स डोंट मेक वन ऑफ योर सेल्फ। आप मैं उनको मैं आपको बता रहा हूं इसका इस क्रिकेट आप क्राउड से दे क्राउड से अंदाजा हो जाता है कि आपका क्राउड इंजॉय कर रहा है या आपका क्राउड कह रहा है यार शर्म करें ये कौन सी आप क्रिकेट हमें खिला रहे हैं। और उस पे भी आप टेस्ट मैच की तरह आपका बाबर स्पिनर पे फंस रहा है आपका रिजवान वही मेरी बात सुने ये 50 आपने चाटना है 40 बॉलों वाला यार कुछ शर्म करे कोई हया करे। और देखे ये याद रखे मैं आपको फिर कह रहा हूं अगर ये उस्मान खान फेल होता गया तो आप यकीन करें ना ये इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा इसका बड़ा बुरा हाल होगा। बार उस पर क्या बात करनी मैच ही वन साइडेड था। हाँ जी आज उधर दिल्ली में उधर क्या हुआ भाईजान भाईजान 125 रन ये तो कोई कार्निज हो रही थी ये तो कोई मजाक हो रहा था ये तो तबाही और बर्बादी हो रही थी। आज अभिषेक आईपीएल का रिकॉर्ड तोड़ देता 12वीं बॉल पे आउट ना होता और उसको देखे वो 16 बॉलों में 50 कर रहा है फ्रेजर जो है 15 बॉलों में 50 कर रहा है। इट वॉज लाइक देखे माजरत के साथ जैसे महेंद्र सिंह धोनी ही केप्ट ऑन वेटिंग इन द विंग्स इन द डगआउट के भाई जब मामला हो जाए इसी तरह पंत ने किया छठे नंबर पे पंत क्रिकेट खेलने आ रहा है आपको 263 लोग कह रहे थे 300 होगा मैं कह नहीं होगा मैंने कहा नहीं होगा हालांकि 9 ओवरों में ये 150 पे थे 9 ओवरों में 150 पे थे और शहबाज जैसा बंदा 50 कर गया शहबाज जैसा बंदा 50 कर गया क्लासन नहीं चला मकरम नहीं चला हेड अभिषेक और ये शहबाज ये तीन बंदों की कंट्रीब्यूशन 262 इधर आप देखे वन मैन आर्मी था जिसका नाम है फ्रेजर वन मैन। यार कमिंस को आपने कितनी दफा इस तरह एक ओवर में 20 रन जाते देखा कितनी दफा वो एक ओवर में 20 दिया 3 ओवर में 12-14 रन दिए विकेट भी ले गया टाटा पर ऋषभ पंत बैठा रहा एंड तक वो देखे 4 चौके मारे हैं जनाब मसूफ किबला काबा पृथ्वी शाह साहब ने 263 चेज करना है ओ भाई 4 चौके आ गए हैं अब आप हर बॉल में चौका मारेंगे मशीन सुसुरन ने कहा थैंक यू वेरी मच बड़ी मेहरबानी ओ वार्नर साहब ये क्रिकेट खेल रहे हैं ओ पुरैल आया फ्रेजर आया फलाना आया आखिर में ऋषभ पंत आया 10 बॉलों में 2 रन यार ये मैच खेल रहे हैं आप ये क्रिकेट के वो देखे नटराजन 4 ओवर 1 मिनट 19 रन एक पंत को क्या हुआ भाईजान पंत मंजर आ गया सनराइजर के लिए खेल रहे थे ये तो खेल ही नहीं रहे थे दिल्ली कैपिटल के लिए इन्होंने पंत ने छठे नंबर पे आके वही किया या तो इन्हें इंडिकेशन मिल गया अन्ना शेट्टी के दामाद को भाई हमने हर सूरत में ले जाना है पंत भी यहाँ नीचे आओ हल्की क्रिकेट खेलो और बिल्कुल खबरदार अगर तुमने कोई फायरवर्क्स किया तुम तो जा रहे हो अन्ना शेट्टी के तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई एडजस्ट कराने की कोशिश हुई है कि एक आधा प्लेयर जो है वो चूंगे में देखे हमारे यहाँ ये मानते नहीं हमारे इंडियन दोस्त हालांकि ये कोई इंडियन गए ना कोई भी यूट्यूबरिया या कोई कोई भी तो ये फौरन कहेंगे हाँ इस बात में दम है लेकिन अन्ना शेट्टी मेटी कहां से आ गया पंत पे बात करें उसने क्या किया आज 35 गेंदों पे 44 सीधी सी बात है मैं आपको क्या कहानी बता रहा हूँ शेट्टी मेटी कहां आ गया बीच में पंत की बात करें आप उसने क्या किया वैसे ही है जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है अपने फैंस के साथ मजाक करता है
उनका मजाक उड़ाता है उसके भाई पूरे हिंदुस्तान नहीं था, उसको बोला कि नहीं बैटिंग हुई बेकार नंबर पे आया, बेकार क्या थर्ड क्लास बैटिंग हुई, ये मैच बंद ने बर्बाद किया, वरना झांसी भाई ठीक है। देखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्ले यू विल नेवर सी 125 रन इन 6 ओवर्स, यू विल नेवर सी दिस, आई डोंट आई हैड नेवर सीन दिस। 6 ओवर में 125 रन, लेकिन 88 रन भी रियलिस्टिकली देखे 125 रन 6 ओवर में, लेकिन टोटल गया 262। जब आप 88 रन बनाते हैं ना रिजवान साहब, दो विकेट बेशक गिर जाती है, तो यू आर वेरी मच इन द कॉन्टेस्ट। ये ऋषभ पंत ने अपने आप को नीचे करके सारा और इतनी घटिया गेम खेला। जो लोग बात करते हैं कि ये T20 में बेकार है, वो सही कहते हैं। फिर अगर आप इस तरह 6वें नंबर पे आएंगे, अगर आप घबराते हुए नीचे से नीचे जाएंगे, तो माजरत के साथ ना सिर्फ आप अपने साथ जुल्म करेंगे, बल्कि आप अपने जो आपके बारे में राय रखते हैं लोग, उसकी राय को तकवीयत देंगे, उसको मजीद मजबूत करेंगे। स्टंप्स को देखें भाई, हीरो पंती बाहर बैठ के चल रहा है, अंदर आके ठोस टेस्ट मैच खेल के गया जैक फ्रेजर जाके, उसके बाद बल्कि 7वें ओवर की आखिरी गेंद पे आउट हुआ 109, 135 पे जाके अभिषेक पोरल आउट हुआ, 9वें ओवर के अंदर ही आउट हुआ 135। आधे से ज्यादा पूरा कर गए बच्चा लोग, जिनके अभी थोड़े थोड़े से मैच हुए हैं, दूसरा तीसरा मैच जैक फ्रेजर का, पोरल भी अभी ज़ारे यंगस्टर है, 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के गया, 135 रन उतार के साइड पे कर दिए, आधे से ज्यादा, अभी 9 ओवर भी पूरे नहीं हुए। फिर आते हैं जनाब ये स्टब्स और पंत साहब, और आके ऐसी इन्होंने अपनी टीम की ब्रेक लगाई है कि बस पूछे मत, कोई इंटेंशन नहीं, नथिंग, नॉट एट ऑल, बिल्कुल बकवास। तो अपनी टीम को, हालांकि बॉलर्स ने मार खाने के बाद कोई अच्छी रिकवरी की, करते कराते चलो जहां तक भी रोका, 6 ओवरों में 125 के बाद जाहिर है 250 260 70 इतना तो नजर आ ही रहा था, तो आगे 10 रन पर ओवर के हिसाब से, तो 9 ओवरों से अंदर अंदर इन्होंने 135 के छू लिया था। तो बाकी क्या किया, 6-7 रन पर ओवर के हिसाब से 6-7, तो पंत ने वही किया जो इतने साल वो करता रहा T20 क्रिकेट में, 125 का स्ट्राइक रेट, टीम को चाहिए 200 के पार का स्ट्राइक रेट, वो करके जा रहा है 125 का स्ट्राइक रेट, जो उसका T20 के करियर का जो स्ट्राइक रेट है वही स्ट्राइक रेट वो खेल के गया, खेला ही नहीं गया उससे, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। और T20 में भी उसका इंडिया की तरफ से जो 60-70 मैच खेला है यही स्ट्राइक रेट है, हालांकि नंबर 5 पे नंबर 6 पे IPL में भी देखें या लीग में भी देखें, जो बैट्समैन आते हैं वो वैश्य किस्म के होते हैं, खौफनाक स्ट्राइक रेट वाले, ये भाई साहब आके अपनी टीम को ही साइड पे, मतलब ये तो SRH की तरफ से आगे बैटिंग करके चला गया, वही 125 वाला जिसका स्ट्राइक रेट है वही भाई साहब इसने आज मेंटेन किया, जो टीम इंडिया के लिए खेलते हुए किया। या तो तुम आउट होके चले जाओ, एंड पे भी सारे आउट हो गए हो, कोई फाइट ही नहीं, मतलब 5 ओवर पहले ही पता चल गया मैच खत्म हो गया, 5-6 ओवर पहले ही पता चल गया जी मैच तो खत्म हो गया। जो बच्चों ने ऊपर वालों ने, वो फ्रेजर दूसरा तीसरा मैच है, उसने आके उसने कहा ठीक है भाई साहब मार पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम भी जवाब देंगे, उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, सही चौके सही छक्के, कमिंस को भी फेंट रहा है, सबको फेंट रहा है, और उसको वाशिंगटन सुंदर का तो पूरा हाल कर दिया मार मार के। तो यही बात है ना भाई साहब, कि पता चले कि जनाब हम भी खेलने आए हैं क्रिकेट, हमारे पास भी बल्ला है, अगर मैदान छोटा है या अच्छा है, बैटिंग पिच बिल्कुल आपको रोड वाली मिल गई है शीशा, तो आपने तो बहुत हमें मारा है तो हम भी कोई जवाब देंगे। तो मजा आया ना, ठीक है 8 ओवर 9 ओवर देख के मजा आया, ये पंत क्या खेलने आया भाई, ये तो बिल्कुल बकवास। वो स्टब्स भी चलो ठीक है 8-10 गेंदे में चलो समझ में आता है, बंदा 35 गेंदों तक मौजूद रहे और रन 44 करके आए, शर्म आनी चाहिए ऐसी इनिंग खेलने के लिए, बिल्कुल बकवास थर्ड क्लास इनिंग। और अपनी टीम को कैप्टन तो जरूर है, लेकिन बहुत लेट डाउन किया,
बहुत ही लेट डाउन किया है। छठे नंबर पे आया क्यों? सवाल तो ये है, जब 263 चेज करना है तो आप छठे नंबर पे आ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप अपने साथ और अपनी टीम के साथ, या फिर आपको पता है आपके अंदर दाने खत्म है, यू कांट हिट, या तो फिर ये है कहानी खत्म। छठे पे भी तो जो ऊपर आए हैं, फिर समझ तो यही आती है कि जो ऊपर भेजा जिन सबको, प्रॉब्ली ही थिंक्स दे वो ज्यादा तेज खेल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर स्ट्राइकर से खेल सकते हैं शायद, यही फिर वजह हो सकती है। तो खैर, जब तक वो बच्चे खेल रहे थे तो मैच में मजा आ रहा था, दम था, अच्छे चौके छक्के लग रहे थे और इंड का जवाब पत्थर से दे रहे थे, पर द मोमेंट आया पंत तो मैच खत्म हो गया। 6 ओवर टू स्पेयर, पता चल गया भाई अब क्या इन्होंने करना है, मैच तो 6-7 ओवर पहले ही खत्म हो गया था। हालांकि हाफ वे स्टेज पे इनका जो रन थे इन्होंने मैच कर लिया, उनको सरपास भी ऑलमोस्ट कर दिया, लेकिन खैर अजीबोगरीब किस्म की बैटिंग की है जिसकी कोई समझ नहीं आई कि भाई ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। और शॉट मारने की कोशिश भी, वो वाली एक्सेलरेशन की कोशिश भी समझ में नहीं आई कि भाई क्या। द मोमेंट ही केम, एक ओवर में 2-2, 3-3 रन आना शुरू हो गए, जो बॉलर का वो बिल्कुल ऐसे भून रहे थे जैसे मकई के दाने को भूनते हैं वो जनाब फ्रेजर और पॉरल। तो द मोमेंट दे केम टू बैट, एक ओवर में 2 रन 3 रन, वो पहले 20 रन दिए कमिंस ने, अगले 2 ओवरों में उसने 4 या 5 रन दिए। तो इस मैच में जहां पे आपने 267 करना है चेज, तो आप 2 ओवर ऊपर नीचे 2-2 रन के 3-3 रन के कैसे खेल सकते हो? तो खैर बहुत बेकार बैटिंग की है और जिसकी वजह से नेट रन रेट भी फर्क पड़ा। मैच तो पता ही था कि हार ही जाएंगे, जब हम मुस्लिम भाई तो नहीं थे, लेकिन हाफ स्टेज में जब मैं आया था तो यही आपसे कहा था 200 के करीब ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुंबई के खिलाफ भी इन्होंने 250 के जवाब में तकरीबन 200 के करीब काम चला गया था। तो ये पंत अगर अच्छा खेलता तो मैच थोड़ा और भी, मतलब इनके नेट रन रेट बेहतर हो जाता, 230-235 यहाँ तक चला जाता, लेकिन खैर उसने तो बिल्कुल काम ही फारिग कर दिया। और हैदराबाद की बड़ी जीत है और पॉइंट टेबल पे आप उनको ला के खड़ा कर दिया, 2 नंबर पे पॉइंट टेबल पे, अब नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है और पॉइंट्स भी 10 हो गए हैं ओवरऑल, 5 मैच जीत गए हैं वो 7 में से। तो हाफ वे स्टेज पे दे आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, दे आर क्रूजिंग, चौथा स्कोर हो गया 250 प्लस का, चौथा। अच्छा जी, अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मोहम्मद उमर कह रहे हैं जनाब, आई नोटिस मोहसिन भाई क्रिटिसाइज ऑन टीवी बट इट्स टाइम टू आस्क इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाईजान जब जाते हैं तो सवाल पूछते ही है ना। अब जाहिर है कि एक वीडियो हमारा वो बीच वाला जो है वो हमने मैनेज किया, तो फिर अपना भी देखना होता है वीडियो का। नहीं, आज के मैच की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? अब आज में क्या आज के मैच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता ही नहीं है जिन चीजों का मेरे भाई, मुझे जरूरत नहीं है बाहर बैठ के पां पां करने की। हाँ तो आप वो अभी पूरे पीएसएल में हर रोज मैंने 2-2 सवाल किए, वो आपको नजर नहीं आए? सर पांच ना डिजर्व वर्ल्ड T20 कॉन्ग्रेचुलेशन सर अंकित पटेल, पूरा सीजन पाकिस्तान से मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं पंत डिजर्व नहीं करता। भाईजान आज जिस तरह खेला ये तो बहुत ही जुल्म किया पंत ने अपने साथ। दूसरा अंकित पटेल साहब, ये पाकिस्तान की जो विक्ट्री आई है, माजरत के साथ रिजवान साहब को शायद पसंद आई हो, मैं तो ऐसी विक्ट्री के बिल्कुल, ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आपने अगर हल्की टीम भेजी है। और दूसरे तो उसने कोई मैसेज ही नहीं लिखा हुआ भाई, मैंने कहा उसने तो लिखा ही नहीं पाकिस्तान का। यार कांग्रेचुलेशन किस पे दिया उन्होंने? वो कह रहा वर्ल्ड टेस्ट, वो उसमें बाहर हो गया पंत वर्ल्ड कप की रेस से, मुबारक हो जी आपको। और भाई वो कह रहा नहीं डिजर्व करते, अंकित पटेल पाकिस्तान की टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं जो आपसे कह रहा हूँ। बहरल जी पंत ने अपने साथ मैं ये नहीं कह रहा कि वाली काम की है, मैं ये कह रहा हूँ शायद आपको ये वाली विक्ट्री मैं मुझे नहीं पसंद आई, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ। आने वन साइडेड है, इसमें क्या इंटरेस्ट है लोगों का? कोई मेरा तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ये देखे पहले बैटिंग करके रन मारे, हाँ बैटिंग क्यों नहीं की?
टॉस जीत गए थे, बैटिंग करते लोग सबको पता था कि तुम लोग सौ सवा सौ पे आउट कर दोगे। पटेल जी ये जो बात है ना पंथ वाली, अब इसने अगर देख लें कि इंडिया की तरफ से खेलना है तो इन्हीं नंबरों पे बैटिंग करेगा जिस पे अभी आया, पांचवें छठे नंबर पे जाके बारी आएगी, ऊपर कहां पे बैटिंग करेगा आप बताएं? ऊपर तो फिर स्काई है या वो पंत, वो विराट कोहली वन डाउन टू डाउन, ओपनर जाहिर है रोहित शर्मा के साथ कोई और होगा, तो इसकी बारी तो इसी नंबरों पर आएगी, पांचवें या छठे नंबर पे बैटिंग करेगा, जो कि ये करता रहा पूरी जिंदगी जो T20 में खेलता रहा इंडिया की तरफ से। तो अब आप देख लें कि इस तरह के स्ट्राइक रेट अभी जो अच्छे अच्छे 50 आए हैं ऊपर से, वो वाकई इसने ऊपर अपने आप को प्रमोट किया, तो 30 गेंदों पे 50 इस तरह की जो बारियां आई हैं, टू डाउन कोई ऊपर ऊपर आ रहा है, लेकिन अब इंडिया के लिए अगर खेलना है तो फिर तो इन्हीं नंबरों पे आके मजा तो तब था कि आज बेशक मैच तो ये गया हुआ था इनका फारिग था, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक आप इस तरह के 4 ओवर 6 ओवर 8 ओवर अब 20 ओवर तक ही 14 का रन रेट है, तो 2-3 ओवर बीच में आए तो काम फारग हो गया, पटरी से उतर गई ट्रेन, तो मैच इन्होंने क्या जीतना था, लेकिन एटलीस्ट 35 पे चलो 65 करता, 70 करता, 60 करता, कोई देख के कहते यार चलो ठीक है कोशिश तो की, रन ही बहुत ज्यादा हो गए थे एट पार, 220 चलो मान ले ऊपर जो 40-50 रन थे उसकी वजह से हार गए, लेकिन भाई उसने तो 35 पे 44 करके जो भाई बैटरों ने इनको बचा लिया, सनराइजर तो 300 पे जा रहा था, 9 ओवरों में 150 रन थे सनराइजर के, उन्होंने गम किया वो भी ये तो किया बैटिंग में, सारे ढूंस कर गए जितने भी नन्हे खान थे सब बैठ गए, वरना ये स्कोर होना था 300। अच्छा विपिन भाटिया का कहना, सो मोहसिन भाई सेइंग पंत प्लेड स्लो so he was asked to so that KL Rahul can be adjusted to the team India level of IQ level kamal education of Pakistan is beyond jitni aap logon ki education hai wo hum roz dekhte hain, jis tarah aapke log kar rahe hote hain hum roz dekhte hain, ab aap hame education batayenge, mashallah yahi se dekhna reh gaya tha aapka, roz aap uske ambaniyon se aapki jaan nikalti hai aur aap to uske bete ko bhi galiyan pad rahi hai पंजाब के, भेजू वीडियोस, ये एजुकेशन है। नहीं शायद ये सार्कास्टिक वे में कह दिया हो, वरना उसका तो कोई तुक नहीं बनता, उसका इससे क्या लेना देना है, ओके राहुल अलहदा अपना खेल रहा, किसी के कहने पे कोई बेवकूफ का बच्चा ही होगा, एम कर रहा ना के एल राहुल, और किसके लिए एम कर रहा, वो ओपनिंग तो नहीं कर सकता किसी सूरत में के एल राहुल, लेकिन इनका कोई पता नहीं है फिर 10 साल क्यों नहीं आया, 20 साल क्यों नहीं आया, 500 साल क्यों नहीं आया, वो यही मजुआ, एक तरफ ये रोहित विराट को नहीं रखना चाहते, दूसरी तरफ ये केएल राहुल को ले जाना चाहते, इससे मेंटालिटी समझ में आ जाती है। लेकिन केएल राहुल का तो डिफरेंट केस है, रिजवान के खिलाफ है, हम कहते हैं रिजवान मरवा देगा, ये तीन आपका प्लेयर है भाई, सारे ले जाए हमें क्या, मतलब सार्कास्टिक वे में बोला है, संजीदा बोला है, क्या बोला है, ऐसे बोल दिया है, अरे यार भाईजान एक जुमला बोला है, लोगों को यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं हमारे प्लेयर, बोल दिया उन्होंने ऐसे ही मतलब मजाक में, इसका जाहिर बात है ना, ऑब्वियसली उसका इससे कोई तल्लक बनता नहीं, ऐसे जिसे चुटकी लेना कहते हैं हमारी जबान में, चुटकी ली इनसे बर्दाश्त नहीं होती, खुद जो मर्जी करे भाई साहब, SRH इस IPL से पहले 16 साल में एक ही दफा 263 बना था IPL में, 3 दफा ये तोड़ चुके हैं इसको, इसी IPL में 7वां मैच है इनका, 277 287 सुबह की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि वो अगला टारगेट उन्होंने रखा है 300 का, तो आज बीच में झलक नजर आई कि शायद के पूरा हो जाए, वो भी कुलदीप देखकर 4 आउट कर गया, रंजा उसने 45 दी है, लेकिन रिजवान साहब एक तरफ 80+ हो, एक तरफ 40+ हो, फिर 50+ हो, और उसमें एक बंदा 4 विकेटें भी ले रहा हो, और रंजे और उसने कुटेल की नहीं ली 4 विकेटें जो कुलदीप ने ली है, तो 45 रन दे रहा हो, तो 45 रन दे के भी अगर 4 विकेटें आए बाकी कुछ थोड़ा बहुत करते तो ये 200 करते, 200 तो दिल्ली, दिल्ली विल बी ऑलवेज इन द हंट। एक चीज आप जरा नोट करें,
सनराइजर हैदराबाद 250 के रिकॉर्ड बना रहा, रन दिलवा भी रहा, ये किसी ने नोटिस नहीं की बात कि रिजवान साहब अगर ये 270 बना रहे हैं तो अपोजिशने भी 262 बना रही है, अगर ये 272 बना रहे हैं 77 तो अपोजिशन 250 ऑड बना रही है, और आज तो चले ऋषभ पंत तो स्टब्स रह गए, वरना आज भी 235-40 होता, तो दीज आर नॉट गुड साइंस। ये भी सनराइजर की बॉलिंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा ही है, और खैर बैटिंग में ये जो तबाही मचा रहे हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है यार, मतलब 6 ओवरों में पहले 80-90, अब 100, 5 ओवरों में 100 और 6 ओवरों में 125, आज तक नहीं हुआ ये काम, द फर्स्ट टाइम। एनीवेज उसका बोले आपका दिल्ली वाला जो अच्छा खेला बच्चा, ऑस्ट्रेलिया वाला नया नहीं, वो फ्रेजर तो बहुत अच्छा, 18 बॉलों में 65, मतलब पूरी टीम ने जितनी बॉलों में 65 किया उस अकेले ने 18 बॉलों में 65 का मतलब है रिजवान साहब के 3 ओवरों में 65 का मतलब है ऑलमोस्ट ही वाज स्ट्राइकिंग 22 रन्स एन ओवर, द रिक्वायर्ड रन रेट व्हेन दे स्टार्टेड वाज 13 पॉइंट समथिंग, ओके, एंड ही वाज बैटिंग 22 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, जिसमें आउट भी हुआ है 18वीं बॉल पे फ्रेजर, तो यही खेल रहा है, बाकी तो सारे मजाक कर रहे हैं, यानी एक कल का बच्चा दूसरा तीसरा उसका मैच है, हर मैच में वो स्कोर कर रहा है, एवरी मैच ही इज कंट्रीब्यूटिंग, वो बाकी सारे वार्नर शॉ पंत नीचे 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 फर्क, स्टब्स इतना अच्छा खेल रहा था आज उस पे भी कोई रंग चढ़ गया कि भाई मैं क्यों अच्छा खेलू, ये आराम से 235-40 तक मैं भी ऊपर भी कॉन्टेस्ट, देखे आधे रन उतार लिए आधे ओवरों में, मोर देन हाफ, तो अगले हाफ में कम से कम नजदीक तो जाते, इन्होंने तो बिल्कुल ही इतना स्लो खेला पंत, इतना स्लो खेला स्टब्स के एक ओवर में 2 रन 3 रन, एक ओवर में 3 रन 4 रन इस तरह आ रहे थे, अगले जितने ओवर इन्होंने शुरू में खेले, फिर स्टब्स भी चलते बने, माजरत के वो देखे अक्षर पटेल, वो देखे ललित यादव को ही ऑलराउंडर बना रहे हैं, ओ भाई जान क्या कर रहे हैं, बैटिंग तो इनकी बिल्कुल ही माजरत है, लेकिन आज पंत ने बहुत बड़ा जुल्म किया, छठे नंबर में बैटिंग करने आया, जब उसकी जरूरत थी ऊपर के स्कोर करे तेज खेले, वो रन द बॉल से भी कम खेलता रहा, पहले कई बॉलों तक 2-3 रन 10 बॉलों में, ओ इट स्पीक्स, फिर वो 2 चौके आ गए, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि वो क्या खेल रहा था पंत। हम बात कर रहे हैं धोनी की, जब धोनी नीचे आते हैं, चले वो 42 साल के हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, इंजरी कैरी कर रहे हैं बकौल लोगों के, भाई जन आप क्या कैरी कर रहे हैं, आप एक जब आप ऊपर आते हैं एक झलक दिखाते हैं, उसके बाद अगले मैच में आप अपना नंबर इतना नीचे ले, भाई जन ये 160-170 नहीं चेज करना था कि आप नीचे रुकेंगे, ये 263 रन चेज करने थे, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर चेजिंग 263, इट वुड हैव बीन 300 प्लस, 30-40 रन कम पे सनराइजर को रोकना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, द वे देवर क्रूजिंग, वो तो भाग रहे थे 6 ओवरों में 125, 6.1 ओवरों में 131, उसके बाद विकटे ऊपर नीचे 3-4 गिरी है तो उनको धक्का लगा, लेकिन शबाद ने फिर वही नीचे आके 50 प्लस डाल दिया। श्याम यादव जी सो हैप्पी फॉर पंत बट वेरी सैड फॉर की पॉन्टिंग, मतलब पॉन्टिंग के लिए सैड, यादव साहब बहुत नीचे आया ना अपना पॉन्टिंग के लिए, अच्छा मैं क्या पंत का लिख रहे हैं, पंत बहुत नीचे आया, रिजवान भाई सिर्फ पंत नहीं उसके साथ जो भी पार्टनर थे वो भी उसी की तरह खेले, और फ्रेजर और पॉरेल के बाद देखिए उम्मीद जिससे होती है बंदा उसी से थोड़ा मतलब गिला शिकवा करता है, बाकियों से आप अक्षर पटेल या वो ललित वगैरह, मुझे तो उनसे इतनी कोई खास उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, उम्मीद थी या स्टब्स से स्लो खेल रहा था तो वो भी स्लो खेल रहा था ना स्टब्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पंत ने सारा वो जो प्रेशर डाला तो वो उसपे भी गया स्टब्स पे भी, जब आप हार्दिक पांड्या या धोनी की बात करते हैं
आठ दस गेंदे वो स्टब्स भी नहीं खेल पाया आज, जाहिर है इतने मैचेस अच्छा खेल रहा था आज वो भी नहीं खेला, घटिया खेला। लेकिन एक आए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, स्टब्स यहाँ पे 35 गेंदे खेलता ना 70 से ऊपर टोटल होता उसका, 35 गेंदे अगर यहाँ पे स्टब्स खेल जाता पूरी अपनी, ठीक है 8 10 पे 8 10 ही किया, 60-65 तो डेफिनेटली होता, 70 ना भी होता, 60 रन डालता वो। मसला ये है कि पंत रुका रहा 35 गेंदों तक, किया कुछ नहीं, तो ये बात जरा मतलब चुभने वाली है। आई लाइक पंत, मैं बड़ा खुश हूं कि वो वापस माशाल्लाह से ठीक होकर इंटरनेशनल की तरफ देख रहा है आने के लिए और लीग में क्रिकेट में ठीक कर रहा है, तो उसके जो चांसेस हैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए इस तरह की इनिंग खेल के वो अपने चांसेस को कम कर रहा है, सही बात है, तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेटिंग सी बात है। तो मैंने जरा थोड़ा अपनी जो फीलिंग है वो शेयर की है। सर फ्रेजर एंड हेड ओपनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड T20 वर्ल्ड कप क्वेश्चन, मेरा नहीं ख्याल है ये, और हो भी सकता है वैसे, क्योंकि वार्नर ने कहा अगर इन्हें जरूरत हुई, रिटायर तो वो हुआ हुआ, तो ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल। और देखें ये जो मिचेल मार्श है ना, ये नहीं घबराता सख्त फैसले करने से, और ना ऑस्ट्रेलियंस घबराते हैं, वो अगर अपने वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों को बाहर करते हैं तो ये मैं आपकी बात मानता हूँ। और अगर ये दोनों आगे रिजवान साहब फर्ज करे 10 मैच है, अगर ये 4 में भी चल गए, सिर्फ 4 में, तो आप सोचिए ये क्या करेंगे। अरियन जोशी हैं जी, भवेश कह रहे हैं पंत के मामले में अन्ना शेट्टी कहां से आ गए, वो ऐसे ही मजाक में बोला यार। अंकित कहते हैं रिजवान में मौसम भाई, डू यू थिंक बीसीसीआई कार्तिक को पहले कंसीडर करेगा पंत के ऊपर, ऑल्दो कार्तिक डिडंट परफॉर्म इन द लास्ट वर्ल्ड कप, पंत हैज शॉट्स मोस्टली ऑन लेग साइड, डीके हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट इट इज हिज लास्ट आईपीएल, जब वो लास्ट आईपीएल एज ए प्लेयर खेल रहा है, He will never ever try to occupy the place of a youngster. मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे शाह ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि पंत मेरे से ज्यादा यहां जरूरी है, डीके भी यही करेगा, चाहे वो संजू हो, चाहे वो ईशन हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो पंत हो, आपकी मर्जी है, मेरा नहीं ख्याल है डीके जाएगा। ऐसे ही है भाई, अभी रेस जारी है और देखते हैं कि किसके नाम कोरा निकलेगा। अभी 6-7 मैच हो गए हैं, बाकी अब मैचेस आते हैं 6-7 एट द एंड ऑफ द आईपीएल वी वुड नो कि किसने क्या किया है। अभी देखें एक इनिंग्स में लोग कहते हैं इसको ले जाएं, अगली इनिंग में कहते हैं बाहर कर दें, एक मैच में कहते हैं इसको ले जाएं, दूसरे कहते हैं इसको जहाज से उतार दें, एक में उसको जहाज पे चढ़ा देते हैं, दूसरे में कहते हैं उतार दें, तो ये चल रहा है सिलसिला, देखना पड़ेगा अभी। तो दो मैच हैं कल, कोलकाता नाइट राइडर और आरसीबी एडन गार्डन में मैच है, पास कोई ऑप्शन नहीं है रिजवान साहब, मेरी दोनों टीमें कल की ऑफिशियल टीमों के मैच है, दूसरा गुजरात, चले कोई तेरे पास ये ऑप्शन तो है आगे कहीं जब बारी आएगी टीम पिक करने की, आगे जाके आपको बारी मिलेगी, मोस्ट लाइकली आपकी लीड जो है ना वो रिजवान साहब 6-7 पॉइंट तक जा सकती है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। अभी कहां पे पहुंची है, अभी 5 किया ना, 15-20 हो गया, यानी कि दो यानी कल और आ सकते हैं, आगे जाके आपको भाई बहुत ज्यादा चांस है, केकेआर वाला तो समझे के पंजाब वाले कोई मेहरबानी कर दे धवन को वापस ले हैं तो कोई बात बने चलो लेट अपनी बन रही है और लेट्स सी क्या आगे देखते हैं। कल पाकिस्तान का भी तीसरा T20 इंटरनेशनल है, कल पाकिस्तान की लड़कियों का भी दूसरा ODI है वेस्टइंडीज के साथ, तो राजस्थान जी टॉप पे है और कोलकाता नाइट राइडर के सिर्फ 6 मैच हुए हैं बाकी टीमों के साथ साथ साथ, और दिल्ली कैपिटल के 8 मैच हो चुके हैं, कल कोलकाता का भी मैच हो जाएगा तो 7 मैच उसके भी हो जाएंगे। कोलकाता तीसरे पे, चेन्नई चौथे पे, हैदराबाद ने जब मारा है और ये अब चले गए हैं चौथे से दूसरे नंबर पे, और राजस्थान तो पहले नंबर पे उसने अपनी जगह बनाई हुई है, दिल्ली कैपिटल दे आर एट नंबर 7 क्योंकि इनका अब नेट रन रेट में कमी आई है, तो मुंबई ऊपर चला गया 1 नंबर और ये नीचे आ गए, तो ये है जी कहानी।
हेलो रिस भाई, मोहसिन अंकल, क्या वाइब थी जी दिल्ली 29 ओवर में, मजे आ गए जी। और पंत डिसअपॉइंटेड अ लॉट, बुइंग भी हुई है पंत की। सो गए लोग बिल्कुल, फ्रेजर एंड हेड दोनों की तो बेस्ट ऑलवेज जी। आप मैच देखने गए थे, आपने बड़ा एंजॉय किया होगा आई एम श्योर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। अच्छी थी कोई 100 कम 4,000 वाली। तो अच्छा एंजॉय किया होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना 6 ओवरों में 125, आज तक नहीं बना। तो 6 ओवरों में 125 आप उस मैच का हिस्सा रहे हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जब कभी भी बात होगी जी 6 ओवरों में हाईएस्ट क्या है, तो जब तक ये टूट नहीं जाता 125 तो आप बोलेंगे कि जी मैं उस मैच में था लाइव, मैंने देखा है वो। तो मजे करा दिया आपके हेड ने और फ्रेजर वगैरह ने। पॉरेल भी अच्छा खेला, वो भी चढ़ के खेल रहा था, अभिषेक वगैरह ऊपर से, शहबाज। सो दे रियली डिड अमेजिंग जॉब टुडे, बहुत चौके छक्के लगे हैं। पंत का बोल लिया इतना, बोल क्या बोले, बेकार इनिंग खेल गया है। फिक्सर डिड वेल टुडे, अदर पाकिस्तानी बॉलर्स इज गुड टू। जी भाई साहब ऐसा ही है, अब उसमें भाई बात जान, इन करते हैं। बच्चों के मोहसिन हुसैन खिलाफ तो 5 अच्छा विकेट कर के भी अराउंड था। सेम इन T20, संजू ईशन बेटर है जी। चल रहा है जी कहानी, अब जब 13-14 मैच हो जाएंगे फिर बताएंगे। फिलहाल ठीक है, सरच संजू भी डूइंग तो मौके पे जॉर्ज जा बुश, के, जब मौका आता है संजू भी रह जाता है, अब क्या करें। SRH डूइंग जो RCB करता था, 260 मार के जी 250 तो करा रहा है। नहीं आज 200 तो पकड़ लिया ना, क्योंकि डिफरेंस इज पैट कमिंस, उसकी जो आगे मार पड़ जाती है एक आधे पिछले में। वो जब जब भी ये 3 मैच इन्होंने इस तरह जीते हैं, अब तीनों में देख लें, उसका जो मुंबई वाले मैच में भी, उसी ने मुंबई वाला किया, क्रूज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमिंस ने आके ब्रेकें लगा दी, मुंबई को भी पकड़ लिया। फिर वो RCB भी देवर क्रूजिंग, आके कमिंस ने कमाल दिखा दिया। और आज भी पहले में उसने 20 खाया, अगले 2 ओवरों में 4-5 रन दिए टोटल, तो कहानी खत्म हो गई। जहां पे हर ओवर में 14-15 रन चाहिए, आप आगे 2-4 रन देके जा रहे हो, कितना प्रेशर बढ़ गया ऊपर। तो कमिंस इज द डिफरेंस। और बॉलिंग इनकी ठीक है, बैटिंग अगर आपकी है कि 260-70 कर रहे हैं, तो बॉलिंग अगर आपकी 230-25 पे भी रोक रही है तो नॉट बैड, ठीक है, आप मैचेस जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नटराजन वाज अमेजिंग टुडे, ही वाज टू गुड, रन्स भी नहीं दिए, आउट भी किए बेतहाशा। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर अ मैसिव विन ऑफ पाकिस्तान जी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सरप्राइज टू सी पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैविंग मोर क्रेज फॉर द IPL देन द पाकिस्तानी क्रिकेट जी। आई डोंट नो विच, जर्नलिस्ट ये पता नहीं कौन से जर्नलिस्ट की आप बात कर पता रहे हैं नहीं, कि आपने जो किन जर्नलिस्टों को देखा दोस्त, होगा, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान का ही ज्यादातर कर रहे थे। अब देखिए ये मैच मैंने जो इतना टाइटल डाला हल्का जी, हो, बाबर्स वीकनेस अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग एक्सपोज्ड अगेन टुडे। तो अब आप देखें ब्रेसवेल के खिलाफ, जब अभी तो खैर जब गए थे तो ब्रेसवेल था नहीं, जब वर्ल्ड ये ऑस्ट्रेलिया से गई थी पाकिस्तान की टीम 5 मैच खेलने के लिए, लेकिन ब्रेसवेल जो T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने सीरीज खेली थी उसमें था, तो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा था ब्रेसवेल। बाबर आजम को बड़ा तंग किया उसने, और आज भी उसी से स्टंप हुआ जी बाबर आजम। बाबर आजम आई लाइक हिम, और लेकिन जो बात ठीक है वो यही है कि क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल वो अक्सर देखने को मिल जाती है। वो वर्ल्ड कप में भी आप अफगानिस्तान चेज कर गया 280 जो हमने किए थे, 70-80 आराम सुकून से, इसका मतलब है वो पिच थी 325 वाली, 330 वाली। बाबर आजम ने कोई 80-90 गेंदे खेली वहां पे, नबी पूरा स्पेल अपना निकाल गया, और एंड पे ये नूर से आउट भी हुआ। हालांकि जो राइट हैंडर बैट्समैन होते हैं वो ऑफ स्पिनर को मारना, मतलब उनको मारना चाहिए, तो बाबर आजम ने पूरा टाइम वहां पे बिताया, कुछ भी नहीं किया, और बाद में साबित हो गया कि वो रन्स कम थे, पाकिस्तान हार गया, इसका मतलब है वो पिच 325 वाली थी। बाबर आजम 90 कोई गेंदे खेल के कोई 75-80 रन्स करके आ गया बाहर, नूर से फिर एंड पे आउट हो गया, नूर से आउट भी हो गया, एक्सलरेट भी नहीं कर पाया। वर्ल्ड कप 2022 फाइनल की बात कर लेते हैं, अगेंस्ट जनाब अदल रशीद साहब, इतना बेहुदा शॉट है वो, अभी तक भी कभी हाईलाइट में देखूं तो बस कुछ जुबान से ऐसी वैसी कोई बात निकल जाती है। गूगली को नहीं समझ पाया, बैक फुट पे जाके खेल रहा है कि गेंद बाहर को निकलेगी,
वो उसने गूगली कराई, गेंद अंदर को आ गई, ऑकवर्ड सा था, पांव फ्रंट का ऐसे पीछे को खोला हुआ था, कोई ऐसा मूवमेंट ही नहीं थी उसको, अब क्या करे, अजीब सा शॉट खेला, वो बॉलर को कैच दे दिया, वहां से भी छुट्टी हो गई। और स्पिनर्स के खिलाफ वो श्रीलंका वाला प्रभाप जसूरिया, क्या प्रभात जसूरिया ऐसा, प्रभात जसूरिया, 7-8 इनिंग में वो 5-6-7 दफा उसी ने आउट कर दिया बाबर आजम को, मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स वो यही कर रहा है। ये केशव महाराज आ जाए तो ये साउथ अफ्रीका वाला ये पकड़ लेता है, उधर आदिल रशीद आ जाए तो वो, राशिद खान से भी बहुत क्लूलेस होके खेलता है ये बाबर आजम, कि जब भी आमना सामना होता है, मैंने इसको कभी जिंदगी में नहीं देखा कि ये कभी डोमिनेट किया हो इसने राशिद खान को, कभी भी नहीं किया, वो ही हमेशा डोमिनेट करता है, जो एक आधे चौके शौके आ जाते हैं वो भी एज पे आ जाते हैं। मैंने जितने बॉलर्स के नाम लिए हैं आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लें, आप उठा के देख लें, अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे गलत साबित कर दें। तो इसका मतलब है कि अपनी जो वीकनेस है उस पर काम नहीं करते ये। दो चार ही कोई अच्छे बॉलर उनके पास या ऑलराउंडर आए हैं, ऑलराउंडर ये ब्रेसवेल अच्छे में ऑलराउंडर, आज नहीं कुछ कर पाए वो लोग, अच्छा ऑलराउंडर है, और ये शायद एज अ बॉलर अगर खेले तो इसको शायद वो चांस भी ना दें, इसकी बैटिंग की वजह से इसको चांस दे रहे हैं, तो आप उसी से स्टंप होके जा रहे हैं, इतना गंदा बीट हुए, गेंद कहां बल्ला कहां, स्टंप होके चलते जा रहे हैं, फिर मजे मजे से 14 रन 13 बॉले, हाँ वो तो राना बॉल ही किया वो भी। तो ये क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ जो एक्सिलरेशन है वो तो दूर की बात है, सर्वाइवल मोड में भी बड़ी मुश्किल से जाके सर्वाइव होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कोई ऐसा मेरे जहन में नहीं आता कि जनाब जब भी अच्छे रिनाउंड नामी ग्रामी को स्पिनर्स को बहुत फेंटी लगाई हो बाबर आजम ने, तो ये संजीदा मसला है, ये सीरियस मसला है। आज भी ब्रेसवेल से स्टंप होके बाहर चलते बने हो, 90 का टोटल था, जिस अंदाज से खेलता है एटलीस्ट नॉट आउट तो जाओ, यहां से भी 3-4 आउट हो गए, मतलब 90 के अंदर अंदर भी, वो भी फिर रिजवान ने कहा चलो अच्छा मौका है, अपनी एवरेज जरा अच्छी हो जाएगी तो चलो मजे से सिंगल डबल चौका भाग भूक के ये वो, तो कुछ ना कुछ जाहिर है वो नॉट आउट गया तो ये एवरेज अच्छी होती है, जिन दोस्तों को नहीं पता, चूंकि आप आउट नहीं हुए, आपके जितने रन है करियर के उसमें 35 रन आपने और जोड़ लिए तो आपका आउट कंसिडर ही नहीं हुआ, इनिंग्स एक और एड हो गई है, लेकिन वो आप आउट नहीं हुए तो वो रन ऐड हो जाएंगे आपकी एवरेज में। और स्ट्राइक रेट जो है वो तो खैर वो तो कहते हैं जी है ही हमारा इतना 125 सारा तो वो 125 वाला ही हो गया, तो मजा कोई नहीं है ये, मतलब ये बच्चों के खिलाफ भी खेलो कुछ इंप्रूवमेंट। बात करने का मकसद ये है कि आई लाइक बाबर आजम मोहसिन भाई, लेकिन बंदे को कोई भी काम करे किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी करे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होनी चाहिए। ये ब्रैसवेल को न्यूजीलैंड में भी ब्रैसवेल इसको आउट कर रहा था, ब्रैसवेल इसको पाकिस्तान में भी आउट कर रहा है। रिजवान साहब आप एक चीज भूल जाते हैं हर दफा कि पाकिस्तान इज नोन, दिस क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, वेदर दे आर ज़हीर अब्बास एंड देर आर जावेद मियांदाद, इमरान खान, वकार, वसीम, शुएब, सईद अनवर, इंजमाम, यूनस, यूसुफ, जेड़े भी जो भी, दे आर नोन के जो अपोनेंट्स होते हैं ये उनके लेवल पे अपनी गेम को लेके जाते हैं, जितनी तगड़ी टीम होती है ये तगड़ा गेम खेलते हैं, जितनी लिस्सी लूसी टीम होती है ये लूसी बन जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, कुछ लोग कहेंगे जी देखिए कहते हैं तो मेरे को तो कोई परवाह नहीं है, मुझे जरा सी भी परवाह नहीं, मैंने ईमानदारी से बात करनी है। बाबर आजम अगर 2 छक्के लगा के आउट हो जाता ना तो मैं कहता यार चलो इंटेंशन दिखाई है, 13 बॉलें 14 रन, वो रिजवान को देखे, उस्मान को देखे, सैम को देखे, इरफान को देखे, रिजवान ये इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ ये हालत है अपने घर में पिंडी जैसी शीशा पिच पे। आप मुझे ये बताएं यार कि आप जब इंग्लैंड जाएंगे, इवन आयरलैंड जाएंगे, आप सोचे आपका क्या, इस टीम को तो आप बकरी बनाएंगे, आमिर भी अग्रेशन, शाहीन भी अग्रेशन, तो शदाब भी अग्रेशन, तो फलाना भी, नसीम जान ने आज भी बड़ी अच्छी बात, उस पर उसको आगे मोड़ रिया,
बहुत अच्छी, शाहीन ने ऑब्वियसली अच्छी बॉल किया, आमिर ने अच्छी बॉल किया, लेकिन रिजवान साहब ये टीम तो पैमाना नहीं है। आपके बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं, आपके बैटर्स अगर इस न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ इनकी ये हालत है तो जब फुल बाकी बैटर्स पे तो मैंने बात ही नहीं की, बाकियों पे क्या बात करना, उसका इतना प्रेशर लेते। अभी आप देखे खैबर से कराची तक जो भी न्यूट्रल होंगे, कुछ तो खैर उनको तो बाबर चाहिए, लेकिन जो न्यूट्रल्स होंगे वो आज कैसे खामोश रहेंगे कि बाबर की इनिंग को कैसे जस्टिफाई करें। छोटा टोटा ना, मैंने साहिम अयूब के एक लफ्ज बोला है, ना वो उस्मान पे, ना वो जो न्याजी, तो खैर चलो दो तीन दो चार जो भी रन किए उसने, तो पहले पहला दूसरा दूसरा मैच है, अभी अभी करियर का आगाज है, आगे जाके सीखेंगे, बेहतर हो जाएगा कोई हिसाब तक। मैं तो पाकिस्तान के कप्तान पे बात कर रहा हूँ जो 100 से ज्यादा T20 मैच खेल चुका है और जो कई सालों से खेल रहा है, और वो जो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल जो है उस पे एक स्टेज आती है कि अब मतलब ब्रेसवेल ने अगर इसको आउट किया न्यूजीलैंड में तो यहाँ पे भी वही आउट करेगा, तो फिर क्या ये कोई बात है करने वाली? फिर आप बड़े बैट्समैन हो दुनिया के, तो आपको तो आउट करेगा तो डोमिनेटिंग तरीके से बाबर खेला हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ गया हो तो कोई ब्रेसवेल, मैंने अभी अभी एक बात कही कि अगर वो सिर्फ उसकी बॉलिंग की बात हो तो शायद वो न्यूजीलैंड वाले उसको कंसीडर ही ना करें, क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर लेता है तो इसलिए उसको डाला हुआ। तो वरना रचिन रविंद्रा ने अब इसको रिप्लेस कर लिया न्यूजीलैंड की टीम में, इंजर्ड था, बाहर हुआ, उसको चांस मिला, वो परफॉर्म कर गया। तो एक ऐसा बॉलर जो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से शायद अपनी टीम में जगह भी ना बना पाए, तो आप उससे बार बार आउट हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, स्टंप हो रहे हैं, कभी LBW हो रहे हैं, कभी बोल्ड हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी हुए, यहाँ पे भी। तो अभी आने वाले जो मैच हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब आप थोड़ा सा कोई बेहतर करने की कोशिश करो, और ये मतलब देखने में अच्छे नजारे नहीं लगते। ये कोई भी अच्छा स्पिनर आ जाए तो बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। ये राशिद खान के सामने भी बेबसी वाली पिक्चर कई दफा देखी है हमने, इंटरनेशनल में भी और PSL वगैरह में भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ देखें, कोई हटके कुछ करें कुछ। अमृत कनाडा से कह रहे हैं, इफ कोहली वुड हैव प्लेड द सेम इनिंग्स देन मोसन वुड हैव सेड दैट, अगर विराट नहीं करता तो ये 150 भी आउट हो जाते। विराट सबका बाप है, ये है वो है, बट इफ एनीवन एल्स प्लेज दिस देन ही स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग। मसलन किसको क्रिटिसाइज किया मैंने? अब ये अब पता नहीं चल रहा किसकी बात हो रही है, कोई किस प्लेयर की बात। अच्छा बड़ी बात है कि ये अब पता क्या करते हैं, अमृत रे है, ये वही है, ये वो गरग, ये क्या करते हैं आप, ये इधर उधर की सिमें निकालते हैं और इधर उधर से डालते हैं। ये मुझे कह रहा था सिकंदर बख्श से मेरा वो कराया, और बात सुनो ए, तेरी उम्र जितनी है ना तू अपनी शक्ल किसी ने भाई, और ये कनाडा में नहीं है भाई, छोड़े आपको पता नहीं है जिस चीज का, ये मुझे पता कौन से कनाडा में है भाई जान। बात यह किसकी इनिंग मैंने क्रिटिसाइज आज की है वो तो बताए। हाँ यार ये तो लिखा नहीं अब तुमने बीच में किसकी बात कर, तो बाप लिख लिया कर तुझे बार बार, वहां भी तू भाग गया था फिर भाग जाएगा, मुझे मजबूर करता है तू। फिर कोई बीच में पूरा मैसेज तो लिखा करो ना कि किसकी इनिंग की बात, किसको क्रिटिसाइज आज मैंने किया बता। बाबर की इनिंग पे क्या रहा, 14 रन 13 बने पे, मैंने उस पर भी कुछ खास भी बोला, रिजवान साहब भी बोले हैं, कोई एक बता। अच्छा ऋषभ पंत पे बोल रहा है कि जहां पे वो आया था 35 बॉल में 44, तो शर्म से डूब मार तुम्हारी क्रिकेट है। नहीं पंत पे तो क्रिटिसाइज किया ना, उन्होंने कौन सा जस्टिफाई किया, मुझे पता है ये शुरू में बोला कि जी वो नीचे आ गया बैटिंग करने के लिए, ऊपर आ गया, ये छठे नंबर पे क्यों आया, जब जरूरत थी तो ऊपर आना चाहिए था। तो वो जिस भी नंबर पे आया 35 गेंदों पे 44 जो है ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला है, भरपूर विद एम्बैरेसमेंट। प्रणाम जी, रेजन मौसम जी, प्रणाम जी, बोला था ऑजी पावर कमिंग वर्ल्ड कप, उस यूएसएस जाएगी ट्रॉफी। आप दोनों घर
आओ दिल्ली टेस्टी फूड खिलाएंगे जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप डराते रहो जी हमें, हम पहले ही ऑस्ट्रेलिया से डरे हुए, आप और डराते रहो हमें। ऑस्ट्रेलिया पहले तो हमें ही सिर्फ डराती थी, अब आपसे भी वो नॉकआउट मैच छीन के ले के जा रही है, तो हम तो पहले ही डरे हुए बैठे हैं, तो आप डरा लें हमें थोड़ा और। अच्छा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब जर्नलिस्ट एंड इंक्लूडिंग यू। अच्छा, मैं आपका पुराना मैसेज दोबारा निकालूं कि आपने क्या लिखा है जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर मस्ट विन ऑफ पाकिस्तान। इसमें कौन सा कोई, हमने वर्ल्ड कप के उनको जनाब फुल स्ट्रेंथ टीम को नॉकआउट में हरा दिया है कि जो आप मुबारकबाद दे रहे हैं। इट वॉज एक हैवी वेट बॉक्सर का एक बिल्कुल नए बॉक्सर के साथ मैच था, उन्होंने मुकेश को मार के नीचे गिरा दिया। और नया बॉक्सर भी वो जो बेचारा लागर है, बिल्कुल नया, बिल्कुल नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करें, मतलब कुछ लोगों को मसला होता है, हम लुडिया डालें या इधर पंगड़े डालें, ढोल वाले मंगा लें, कोई यहाँ पे नए, कोई क्या करें यहाँ पे, देखा नहीं होगा, कहीं और जाके देखेंगे ना, कोई पता लगेगा क्या हो रहा है। या सार्कास्टिक वे में बोला तो मुबारकबाद। अब इसमें ठीक है, मैच था, जीत के, फुद्दू टीम है वो न्यूजीलैंड वाली, तो उसे जीत गए, तब क्या करें इसको। बाकी सरप्राइज टू सी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैविंग मोर क्रेज फॉर आईपीएल देन पाकिस्तान क्रिकेट। तो पाकिस्तानी क्रिकेट आप भेज देना कोई अच्छी टीम। चलो इंडिया तो नहीं आ रहा, कोई और, मतलब कोई फुल स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड आ जाए तो उस पर और भी बात हो। अब मैच में कुछ है ही नहीं, 90 पे आउट कर दिया उनको, बच्चों को हंसते खेलते चेस कर दिया। जो बीच में बात लगी हमें समझ में आने वाली कि जिस पे बात करनी चाहिए, जो कि एक जर्नलिस्ट की आंख से नजर आया मुझे कि भाई ये बाबर आजम को फिर ब्रैसवेल खा गया और न्यूजीलैंड में भी खा गया, तो उस पे मैंने बोल दिया 15-20 मिनट। अब किसी के कहने पे तो नहीं हमने बोलना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो बीच में बात समझ में आएगी कि हाँ ये वाली बात टेंशन वाली है उस पर बोल देंगे। और बच्चों को हरा दिया उस पर क्या बोले आप, तो बोल दिया 15-20 मिनट जो लगा के जिस पे बोलना चाहिए कि जो पॉइंट है। पाकिस्तान के मैच से लिया भाई, आप पता नहीं क्यों सोहम साहब इतने गुस्से में हैं। जो बात थी बोलने वाली वो ये लिखी हुई है सामने, पढ़ लें आप, ये पता नहीं तो ये उसी मैच के हवाले से बात हो रही है ना मेरी जान। और बाबर कोई मतलब नेट में तो आउट नहीं किया ना ब्रैसवेल ने, मैच में किया, उसी पे बात हो रही। जसवाल, संजू, के एल, स्काई, हार्दिक पांड्या, रिंकू जडेजा, सिराज, बुमराह, शदीप, फर्स्ट 11, रेस्ट फॉर गेल, दुबे, अक्षर, अवैश। आई हैव नो हेट फॉर विराट कोहली बट ही इज नॉट सुटेड। ठीक है, आप बोल रहे कि अपनी चॉइस है, आपकी भी जो समझ बूझ है आपने उसके मुताबिक लिख दिया, लेकिन आईपीएल इज डिफरेंट, वर्ल्ड कप इज डिफरेंट, इट्स प्रेशर इज डिफरेंट, जगह नहीं है, प्रेशर डिफरेंट लेवल का होगा, टीमें डिफरेंट लेवल की होंगी, तो यू नीड प्लेयर, टाइम टेस्टेड प्लेयर्स। बाकी मर्जी यार बंदे की, अपनी चॉइस है, आपने भी अपनी टीम लिखी है तो ठीक है, इट्स ओके। माशाल्लाह, गिल सूट कर रहा है, दुबे, अक्षर, अवेश सूट कर रहा है, विराट नहीं, उसको नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। अच्छा जी, ऋषभ पंत, हाँ तो ऋषभ पंत पे तो ये वही है, ये सिम्मे सारी है, क्योंकि टेलीकॉम जो भी है, जब तक गाली नहीं निकाल रहा तो ठीक है, जो भी है गाली नहीं निकाल रहा तो ठीक है। तो ऋषभ पंत पे भाईजान क्रिटिसाइज ही किया हमने क्रिटिसाइज ही किया, अगर ये रोहित विराट की होती तो ना करते, मतलब विराट को आलिश करता है तो मैं कहता वेल डन, वो ये कह रहा है। क्यों किया है जी क्रिटिसाइज, हाँ तो इसलिए किया है कि किया ना, अगर मैं खामोश रहता तो ये कहता क्यों नहीं किया, आपको पता नहीं है मेंटालिटी का लोगों की। अच्छा कह रहे क्यों किया, तो भाई फिर तो आप देखें, आई डोंट नो, आप सिम असली वाले हैं, सिम नकली वाले हैं, सिम दो नंबर वाले, दो नंबर सिम वाला है यार, मैं जो बता रहा आप, लेकिन आपने कोई चूंकि मैनर्स के अंदर रहते हुए बात किया है, कोई बकवास वाली बात नहीं की, अच्छे अल्फाज में जो भी कहा था आपने लिखा है, तो मैं भी आपका फिर उसी तरह अच्छे अल्फाज में जवाब दे रहा हूँ कि भाई साहब 33-34-35 गेंदों में 44-45 जब आप चेस कर रहे हो 267 नहीं यार 266 किया है मौसम ने, क्या मैंने 266 हो सकता है 66 हो, आई एम रॉन्ग,
267 तो आप ये बताएं कि फिर क्या कहा जाए इस इनिंग्स को, कोई स्पेशल किस्म का कोई इसको इजाज दिया जाए, कोई प्लेयर ऑफ द मैच से हटके कोई डिफरेंट किस्म का कोई अवार्ड दिया जाए इस इनिंग को। तो जब आप किसी भी इनिंग्स को देखते हैं ना कि ये किसने खेली है, तो फिर मैंने इसको कैसा अच्छा कहना है या बुरा कहना है कि डिसाइड करना है, तो इसका मतलब है यू नॉट डूइंग जस्टिस। 35 गेंदों में 44 चाहे कोई भी खेले, इन चेज ऑफ 267 वो इनिंग्स घटिया ही होगी, वो घटिया ही बारी खेली जाएगी, चाहे कोई भी खेले, बाबर आजम खेले, पंत खेले, सूर्य कुमार यादव खेले, विराट कोहली खेले या कोई भी खेले, तो वो 34-35 गेंदों पे 44-45 वाली इनिंग्स जो है वो घटिया ही होगी। तो आज वो पंत ने खेली है तो वो घटिया इनिंग है। इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, मैं नहीं बोला वैसे पंत पे, ये तो चलो थोड़ा उसको कह रहे थे ऊपर नहीं आया नीचे नहीं आया, तो इन्होंने वैसे नहीं, मैंने ही ज्यादा बोला उसको भी। आपको नहीं कहेंगे ना, मुझे कहेंगे। अरे भाई मेरे अमृत रे जी, 35 पे 44 नेवर एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर चेजिंग, और 44 पे भी, तो उस दिन कोहली आउट हो गया लेकिन 20 गेंदों पे 40-42 तो किया है ना उसने, कोशिश तो की है ना भाई कि चलो मैं कोई मैच करने की कोशिश तो करूं, तो नजर तो आया ना उस दिन उसने कि जब उसने देखा कि भाई 290 करना है तो कुछ कोशिश तो की उसने, तो आज वो कोशिश ही नजर नहीं आई पंत से। T20 में जितना राहुल फेल हुआ है उतना ही रोहित फेल हुआ है, हर बार मोहसिन भाई राहुल शेठी अन्ना करते रहते हैं, बना के हैं, रोहित पे कोई लफ्ज नहीं कहते। क्यों, कौन कहता है रोहित पे नहीं बोला? अभी आजकल वो ठीक खेल रहा, कैसे बोलूं मैं रोहित पे, आप मुझे जरा समझाएं। कल के राहुल ने बेहतरीन इनिंग खेली, हमने उसकी तारीफ की है। अभी आप क्या चाहते हैं, खामखा लोगों की तारीफें की जाए? रोहित और विराट ने अपने खेल से मकाम बनाया, अगर उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं, तो उनकी चेहरे की वजह से पसंद नहीं करते, उनकी गेम की वजह से पसंद करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे भाई माज मोहम्मद साहब। हाँ तो यार उम्मीद या कि अच्छा कर लेगा रोहित शर्मा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया था। बहुत मैं आपके लोगों की तरह जो वो लव्स यूज करते हैं रोहित के लिए या बाकियों के लिए, वो मैं करता नहीं हूं, मैं क्या करूं। तो बड़ा डिसअपॉइंट किया था इन प्रीवियस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज हॉरिबल, और उस मैच में भी जो आपका सेमीफाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी बड़ी स्ट्रगल वाली इनिंग थी, कोई 25-27 गेंदों पे 30-32 रन कुछ ऐसे ही, और मजा नहीं आया पूरे वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा ने कुछ भी नहीं किया T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन चले अभी वो अच्छा खेल रहा है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा कर जाए। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट अबाउट इट, तो उम्मीद है कि अच्छा कर जाएगा। स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, अभी IPL में भी अच्छी बारियां आ रही हैं, तो यू कैन होप कि अच्छा कर रहा है। KL राहुल ने शायद वो IPL की अपनी अभी तक की वही उसी दिन ही सबसे अच्छा खेला है कल, वरना तो वो बस गुजारा ही चल रहा था। अच्छा जी, कंग्रेचुलेशन रिजवान मोहसिन भाई ऑन अ बिग पाकिस्तान विन, ये पता नहीं आप वाकई मुबारकबाद दे रहे हैं या मजे ले रहे हैं, ये इसका हमें नहीं पता। और SRH की क्या बैटिंग है जी, बहुत ही अच्छी बैटिंग है, तो आप लेट आए हैं, अब हमने उसके बाद ये बैटिंग पावर हाउसेस हैं और उसके बाद मुंबई, हाँ तो उस पे हमने अभी काफी बात कर ली है। कल जी दो मैचेस हैं IPL के, और दोनों मैचों में मेरी कोई चॉइस नहीं है भाई जी, दोनों मेरी ऑफिशियल टीम है मोहसिन भाई की, दोनों की दोनों, और दोनों ही मैच टफ है, मतलब KKR से RCB KKR में जाके खेलेगा और पंजाब से गुजरात पंजाब में जाके खेलेगा। लेट्स सी, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी कल ही मैच है, तो ठीक है अभी इजाजत लेते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में व्हाटएवर यू हैव टू से जस्ट राइट इट डाउन। टेक केयर, बाय बाय।